कनाडा से भारत तोड़ेगा सारे संबंध, कनाडाई पीएम को मिलेगी सजा, कनाडा में बसे पंजाबियों का अब क्या होगा। यूं तो कनाडा के साथ भारत के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, गाहे बगाहे कनाडा और भारत के बीच खटास की खबरें आती रहीं। G20 सम्मेलन में भी कनाडा के प्रधानमंत्री जब आए, पीएम मोदी से मुलाकात की, हाथ मिलाते हुए जिस तेजी से कटे वो बता रहा था कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। कनाडा अपने एक मंत्री के मारे जाने पर अब भारत सरकार पर आरोप लगा रहा है। कनाडा में भारत राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया गया और उसके बाद फिर भारत ने भी कनाडा को अब जवाब दिया और कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कह दिया। मतलब साफ है, दोनों के रिश्ते काफी खराब होने वाले हैं। पूरी कहानी क्या है, कैसे दोनों देशों के रिश्ते काफी बुरे होने वाले हैं, कैसे यह पंजाब के लोगों को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, आखिर पंजाबियों का क्या होगा, हम आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर मामला क्या है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बताने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है। पहले कनाडा सरकार ने भारत के राजनयिक पवन कुमार राय को भी निष्कासित किया और अब भारत ने भी दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग से एक सीनियर राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला किया। ट्रूडो के बयान को खारिज करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। यह फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। इससे पहले कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा था, हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है और यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसी साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा ने दिया भारत को झटका, क्या ये रिश्ता में नई गिरावट है। भारत सरकार निज्जर को आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों का मुखिया बताती रही है। निज्जर के समर्थक इन आरोपों को खारिज करते हैं। भारत और कनाडा के बीच ये पहली बार नहीं है जब संबंधों में तलखी देखने को मिल रही है। जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच दूरियां आने का ये पहला मामला नहीं है। कहा जाता है दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच कभी संबंध बेहतर नहीं रहे। जस्टिन ट्रूडो जब से पीएम बने हैं तब से नरेंद्र मोदी कनाडा नहीं गए। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में जब G20 सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो भी भारत आए थे। सम्मेलन के दौरान आधिकारिक अभिवादन के दौरान ट्रूडो नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए उस जगह से तेजी से निकलते हुए देखे। इस तस्वीर को दोनों देशों के रिश्तों के बीच तनाव के तौर पर देखा गया। ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। पीएम मोदी ने कनाडा में अलगाववादी गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था, भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल न दे। अब कनाडा में बसे भारतीयों का क्या होगा। आज की तारीख में भारतीय कनाडाई के हाथों में संघीय पार्टी NDP की कमान है। कनाडा में पंजाबी तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। कनाडा की कुल आबादी में 1.3% लोग पंजाबी समझते और बोलते हैं। कनाडा में 14 से 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। पंजाब के अलावा सिख सबसे ज्यादा कनाडा में हैं। पंजाबियों के अलावा बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कनाडा में शिक्षा के लिए पहुंचते हैं। क्या उन पर भी असर होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। उससे कनाडा में रहने वाले भारतीयों को मुश्किलें तो आने वाली हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।